बिल्ड अ स्ट्रांग बिलीफ। अब अपने ऊपर ऐसा बिलीफ होना चाहिए, आई एम ए वर्ल्ड नोबलेस्ट प्रोफेशन में हूँ, और प्रोफेशन जो मेरा है जबरदस्त अच्छा है। ये मेरे पास पूरा परफेक्ट। कॉन्फिडेंस रहेगा ना, तो आप जाओगे कहाँ? जो जहां पे जाओगे ना, वो ये मेरे में है, LIC तो बेस्ट। बेस्ट। बगैर और अगर बेस्ट है, मत क्यों अपना छुप छुप करके अपने जाने का? जरूर नहीं ना, ये नहीं सर, प्रोफेशन के मैं अंदर। छुपता हाँ नहीं, मैं जाता कौन हूँ, मैं मार्केटिंग कौन करता हूँ। देखो, आपको एक बात बताओ, मैंने MBA किया है। MBA में एक ऐसा बताया जो आपका मार्केटिंग रिफ्लेक्ट ऑन द योर बैंक। अगर आपका मार्केटिंग आपका अच्छा है ना, तो बैंक आपका बैंक बैलेंस भी अच्छा रहेगा। यस मार्केटिंग आपका गुड नहीं है, बैंक बैलेंस जीरो होगा। और फिर ये नोबल प्रोफेशन है, आपको पता है, फिर क्यों नहीं करते हो फिर? और करोड़ों रुपए सर, का कमीशन रिलीज हो रहा है एवरी ईयर, करोड़ों रुपए का, मैं क्यों नहीं करते हैं? तो उसके ऊपर ना मैं गहराई से आपको बताऊंगा कैसा नोबल प्रोफेशन है। उसके बाद मैं आपको अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, मतलब जो प्रेजेंटेशन जो है ना, आपको क्लोजिंग कैसा करना चाहिए अच्छी ढंग से, वो मैं बताऊंगा। और अपना जो है ना, लोगों को कैसा जीतना है, उनको कैसे फ्रेंड बना करना है, बनाना है, उनसे कैसे फ्रेंड बना के उनसे कैसे इंश्योरेंस लेना है, उनको उनके दिल को जीत करके कैसे अपने को। देखो, कहीं भी एक अपना जो है ना, कोई भी किसी से प्यार होता है ना, तो दिल जीत करके प्यार होता है, भले थोड़े टाइम के लिए वो क्यों ना हो, मगर वो तभी उसको उसका रिस्पांस मिल जाता है। तो अपने पार्टी को भी जीतने को आपको सीखना आना चाहिए, तो ही आप इस लाइन में टिक जाते हो। और हमारे यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या, कहाँ से लोगों को ढूंढो, कैसे लोगों को ढूंढो, कहाँ ढूंढो, हाउ टू फाइंड अ पार्टी होता है ना, कहाँ जाओ, किधर जाओ, सुबह उठने के बाद क्या करने का, मुझे ये लोगों को पता नहीं है। तो इसको प्रॉपर वे से प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ता है, सस्पेक्टिंग करना है, प्रोस्पेक्टिंग करना है, उसके बाद में आपका पार्टी कैसा लाने का, वो मैं आपको बताऊंगा। यस सर, और आपका जो पोटेंशियल है, आपको पता नहीं है, जो आप जो आप पर्सनैलिटी है, मगर आपके अंदर एक पोटेंशियलिटी है, वो पोटेंशियलिटी को बाहर कैसा निकालने का, मतलब मैं बोल रहा हूँ आप कर सकते करके, मगर आप एक कोर्स अपना, एक तो ना अपना सेशन होने के बाद आप बोलेंगे, अरे यार मेरे मेरे यहाँ हो, ये हो है, मेरे पास है, मगर मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। तो आपका पोटेंशियलिटी को बाहर निकालूंगा। जितने भी सारे एजेंट आप यहाँ पे, जितने भी एडवाइजर बैठे हो, जितने कोल्ड कैनवासिंग में कैसे इमीडिएट पॉलिसी बेचने का, वो भी मैं सिखाऊंगा। सर्विसिंग कैम्प जो लगाते हैं ना, कैनोपी लगा के, वो भी मैं सिखाऊंगा उसके साथ साथ में। और ये जो मैं पैकेज आपको दे रहा हूँ ना, वो मार्केट में आपको कम से कम 60,000 रुपीज, 60 या 55,000 आपको ऑफलाइन कोर्स में देने पड़ेंगे। और ऑनलाइन उन लोगों का कोर्स लेंगे ना, तो कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये ले ही लेंगे उनसे। तो ये सब है आपके पास, मगर उसको यूज करना कैसा पता नहीं है। तो ये आपको एडवांस लेवल का काम है। पहले में आपका आपको मैंने बताया कि आपका प्रोफेशन के बारे में रहेगा, और तीसरा जो है मैं कारपोरेट में आपको ले जाऊंगा। और ये कारपोरेट लेते लेते ले कारपोरेट तो क्या, हाँ मतलब DOT, TOT, वो कारपोरेट के लिए, और रिस्क मैनेजमेंट वगैरह, वो सब सारी चीजें आगे की बात है। तो बहुत सारा नॉलेज मेरे पास है, और वो भी अपने को आपको मैं 6,000 में दे रहा हूँ, तो आपको डिस्काउंट मैंने कर दिया, कोई बात नहीं अपना डेबू थैंक जी। यू चलो सर, हाँ, थैंक यू सर। तो देख लो फिर, देखो। और डिस्काउंट दिया मैं तो ये ठीक है। मैं आपको मैं सभी के साथ में गारंटेड बोलता हूँ, जो भी कोर्स करेगा ना, मैं बोलता हूँ ना, मैंने उदाहरण दिया है, बाकी सब लोग मालूम है, उदाहरण सभी उदाहरण सामने है, सभी उदाहरण, बहुत लंबा जाने का नहीं, सामने बोलते ना, सामने मिलेगा आपको। और भी ना, हफ्ते हफ्ते में मिलेगा। अगर वो हफ्ते हफ्ते में एजेंट कमा रहा है,
तो फिर क्यों नहीं अपने को काम करने का, ठीक है सर। हफ्ते हफ्ते में समझो लाख, हफ्ते हफ्ते में समझो लाख लाख रुपए कमाने का, जो मैं अपना एजेंट, अपना एक छोटा सा जो भी उसको मतलब वो देहात में रहने वाला एजेंट कमा रहा है, तो सिटी में रहने वाला एजेंट क्या करेगा फिर? होगा इसमें क्या, की ऑफ सक्सेस क्या है? की ऑफ सक्सेस क्या है कि अपने को ना अपना इंश्योरेंस के प्रोफेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं अभी तक, और वो प्रोफेशन कितना सीरियसली करना चाहिए। अभी आपको मैं आज अभी एक आपको कॉन्फिडेंस वाली बात बोल रही, मैं प्रोडक्ट इज बेस्ट, माई कंपनी इज द बेस्ट, और मैं भी बेस्ट हूँ, इतना सारा बोलो, कामकाज कितना होता है? देखो कंपनी के बारे में, देखो LIC व्हाट इज ब्रांडेड, ब्रांडेड कंपनी है, रेमंड का कपड़ा देखो तो LIC ब्रांडेड है भाई। और आज अभी तो मार्केट में धूमधाम से कौन सा प्लान चालू, मैं जीवन उत्सव, वो भी सर 5 साल, 6 साल, 7 साल, 16 साल तक आप दे सकते हैं, बोलो। और उसके अंदर टैक्स रिबेट भी बहुत अच्छा मिल रहा है, लोगों को टर्म्स भी कम मिल रही है, और धूमधाम से बेचा जा रहा है वो नहीं बेचा, जीवन उमंग। उस आपको MDRT करना है ना, उसको दिखाओ मत, उमंग में जाओ। हाँ मगर कोई बोलता है अरे मेरे को कम टर्म वाला चाहिए, तो अभी LIC ने वो भी लाया, वो भी गारंटेड इनकम वाला लाया, बोलो 40% ऑफ द सम एश्योर्ड एवरी ईयर मिल रहा है आपको, और 10 ईयर्स के बाद आपको जो मिला 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, और फ्लेक्सी ऑप्शन में अंदर गए ना आप, पैसा आपका जितना जमा हो रहा है उनके पास में, तो उसका 75% आपको विड्रॉल करने को मिल रहा है, तो आपके ऊपर है, और मैच्योरिटी भी मिल रहा है उसके साथ में। मगर वो जो पॉलिसी कैसा है कि अपना पॉलिसी है वो होल लाइफ पॉलिसी और मनी बैक है। अगर किसी बच्चे को आपने दिया 5 साल 50-50 हज़ार, तो लाइफ टाइम में उसका क्या फायदा होगा बताओ मुझे? उसके 18 साल के बाद वो बच्चा सपोज 50 साल भी, 70, 60 साल भी वो जिया, तो भी उसके कितना पैसा उसके घर में आ जाएगा? देखो इट विल बी पैसिव इनकम हो जाएगा, और उसका ठीक है फादर सर। भर रहा है ना, फादर भर रहा है पैसा। तो प्लान को प्रेजेंटेशन भी करना आना चाहिए, देखो ये मेरा प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट में मेरा इतना बड़ा दम है ना कि ये आपको ना आपके फैमिली को स्ट्रांग बनाएगा, ऐसे डायलॉग आपको आना चाहिए। वो डायलॉग बजी, मैं आपको बोलता हूँ ना, इंश्योरेंस बेचने के लिए नॉलेज की बहुत जरूर नहीं है। लोग क्या करते मालूम है, आपने क्या बोला उसमें से 55% भूल जाते हैं। क्या बोला 55% भूल जाते हैं उन लोग, और आपने कैसा बताया और कौन सी अपने बॉडी लैंग्वेज में बताया वो ज्यादा ध्यान रखते हैं, बोलो। वो आपको आना चाहिए, अगर आपको बॉडी लैंग्वेज आ गई ना, तो फिर आप LIC पॉलिसी ऑफ दी एकदम मतलब क्या मालूम, फेल ही होने का चांस नहीं। पार्टी मेरे सामने बोलती है अरे लाओ वो अपना चेक लाओ, आज मैंने गया अभी देखो, आज मैंने एक छोटा सा पॉलिसी बेचा है, 3.5 लाख का प्रीमियम लेके आया हाफ ईयरली, पार्टी ने बोला और वो चेक लाओ ना, वो सदानंद राठे को चेकबुक लेके आओ, वो लेके उनको दे दो। मतलब मैं जाता हूँ मैं, और लोगों को मैं करके भी दिखाया, अभी जयसिंह को मैंने दिया, जयसिंह मैंने 200 रुपए करने के लिए काकू कर रहे थे, बोले ज्यादा 200 रुपए, मैं बोला भाई कर लेना देख लो। अभी उनको मैं समझाया, 1 घंटा भी समझाया फोन के ऊपर, अभी उनके देखो अभी उनका 1 लाख का प्रीमियम आया, 1 लाख का प्रीमियम आया, कितना 30,000 तो कमाया ना। और अभी आज आज उनका नंबरिंग भी हो गया, ये अपना प्रूफ है भाई, मैं बोलता हूँ प्रूफ है आपको, 100% आप जुड़ जाइएगा, मैं बोलता हूँ हमारे साथ में साल, मैं बोलता हूँ ना साल भर की जरूरत नहीं है, बोलता मार्च तक जुड़ जाओ, मार्च तक आपका क्या परफॉर्मेंस देखो, उसके बाद में अरे लोग अपना ना उसके बाद। ओम शांति।
आपका कैसा काम चल रहा है? ओम शांति। ओम शांति, बोलिए। कुछ अभी ठीक चल रहा सर अपना पेशर ट्राई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बताओ मुझे। कुछ जी, पेशर ट्राई को पेशल कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और कर रहे हैं अपना सर। कुछ अपना ये लास्ट वीक में कुछ अपना कुछ नया लॉगिन हुआ कि नहीं हुआ? कितना हुआ सर, एक पॉलिसी हुआ? पिछले हफ्ते में एक लॉगिन हुआ सर, अच्छा, प्रीमियम मतलब प्रीमियम 12,000 का आ गया। साल का। यस सर। मैं अपना ये वो अपना अभी ये मेरे पास पार्टिसिपेंट है, मंथली 10-10 हज़ार रुपये बेच रहा है। बोलो कौन मालूम है, कौन मालूम है आपको? आप जानते हो उनको, 10-10 हज़ार मंथली जा रहा है। वो अपना मंदार है ना, खेड़ेकर जी जी मंदार, वो मंथली है, वो मंथली 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार बेच रहा है। अच्छा, वो अपना जयसिंह भाई, मैं बोल रहा हूँ ना आप बराबर, तो वो प्लान दिखा करके बेच रहा है 10-10-15 हज़ार रुपये का, प्लैटिनम प्लान बेच रहा है। बोलो, और ट्राई भी नहीं बोला वो अपना, वो अपना मेरे को लगा भी नहीं इन लोग अपना बेचेंगे करके, वो अपना हफ्ते हफ्ते में लाख लाख रुपए का प्रीमियम उठा रहा है। तो अपना जो है ना मंथली का प्रीमियम 4 लाख होगा, तो लाख रुपए का कमीशन हो गया। और मैंने फीस कितना लिया था उनके पास से? 4 हज़ार रुपये। और बल्कि उन्होंने 3 कोर्स मेरे तो 3-3 हज़ार के किए थे, नहीं, 900-900 के।